बोले कि तोसो दानी भू धर्म को रूप तेरी सोसो को कहिए राजा, कहिए महाराज। अरे बड़े सौभाग्य मेरे जो आप जैसे महान मूर्तियों के मुझे दर्शन हुए। अरे महाराज, इंसान का जीवन गुजर जाता है, कभी आप जैसे संत महात्मा लोग उनके दरवाजे पर नहीं जाते। सौभाग्य मेरे जो आज आपके दर्शन हुए। कहने लगे, सुनिए महाराज, ऐसा करो, इधर महाराज हरिचंद्र कहने लगे, आओ महाराज बैठो। बड़े सौभाग्य मेरे जो आपके आज हमें दर्शन हुए हैं। बोले हैं महाराज हरिचंद्र, विश्वामित्र जी कहने लगे, राजन चाहिए कुछ नहीं, एक घर में बेटी है, वो भी शादी के योग्य है, ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ी सी धन दौलत दे दो, हम अपनी बेटी के हाथ पीले करना चाहते हैं। बोले हैं विश्वामित्र राजन, घर में बिटिया कुंवारी है अरे मेरे भोले राजा, हाथ पीले करवाए। घर में बिटिया कुंवारी है अरे मेरे भोले राजा, हाथ पीले करवाए।
बेटी है शादी के योग्य है, ज्यादा कुछ नहीं, अरे बस थोड़ी सी धन दौलत मिल जाती तो हम अपनी बेटी की शादी कर देते। और जैसे ही कहा तो आज महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे आप हमारे दरबार में चलिए, राज्य में चलिए, है कुछ देर तक विश्राम करना, भोजन करना, उसके बाद तुम जो मांगोगे भाई तुम्हें देंगे। यहाँ तो मेरे पास कुछ नहीं है, खजाने की चाबी और घोड़े की लगाम यानी कुंजी और लगाम है। विश्वामित्र बोले तो ऐसा करो, इसी का संकल्प कर, कोई बात नहीं, अरे ज्यादा नहीं, थोड़े बहुत पैसे मिल जाएंगे तो बस इतने ही में हो जाएगा। भोला वाला राजा ना समझ पाया था, आज महाराज हरिश्चंद्र ने कुंजी लगाम का संकल्प पढ़ दिया और एक बात कही, अभी संकल्प पढ़ाई की दक्षिणा और लगेगी तुम पर 60 बार सोना। बोले वो अपने दरबार में चल के दूंगा। आज महाराज विश्वामित्र को लेके आए, बड़े सुंदर आसन पर बिठाया, आओ महाराज बैठो। और जब बैठाया तो आज मेरे भैया महाराज हरिश्चंद्र ने खजांची को बुलाया और एक बात कही, सुनो जाओ महात्मा जी को खजाने में से 60 बार सोना ला करके दे दो। और जैसे ही कहा तो वो खजांची कहने लगा महाराज पहले खजाने की चाबी तो दो। और जो चाबी का ध्यान आया विश्वामित्र उठ करके खड़े हो गए और हंसने लगे। महाराज हरिश्चंद्र समझ गए कि आज हमसे जिंदगी में सबसे पहली बार इतनी बड़ी भूल हुई है। महाराज हरिश्चंद्र अपने सर को पकड़ के बैठ गए लेकिन विश्वामित्र हंसने इधर। महाराज हरिश्चंद्र ने जैसे ही सुना था पैरों तले धरती खिसक गई। बोले सुनो अब हमें वो चाहिए इस राज से बाहर हो। जैसे ही कहा तो आज महाराज हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू आ गए। बोले महाराज मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, ऐसा करो अब इस राज्य से बाहर तो सिर्फ मैं हूँ, तुम हमें बेच लो। बोले तुझे बेचने से कोई 60 बार सोना पूरा थोड़ी नहीं हो जाएगा, एक पत्नी है एक पुत्र भी है घर में, अगर आप हम तीनों को बेच लो तो हो जाएगा। विश्वामित्र हंसने लगे वह हरी हरी चक्कर, अरे ऐसी किसकी पत्नी होगी,
जो अपने पति के साथ में बिक जाएगी, बोले मेरी पत्नी पति विरता रानी, जाओ और जरा पूछ के आओ अपनी रानी से, तो मेरे भैया आज महाराज हरिश्चंद्र चल देते आंखों में आंसू। तारा ने आता हुआ देखा, कलाई पकड़ी, बड़े सुंदर आसन पर बिठा लिया, आओ महाराज बैठो, क्या बात है आप उदास क्यों है, कोई बात है मन? कहने लगी रानी तारा, क्या हुआ महाराज, प्रजा में कोई बात हो गई है क्या, आपसे किसी ने कुछ कह दिया है क्या, पूछने लगी है तारा महाराज। कहने लगी रानी, क्या बात है महाराज, आज आप इतने उदास क्यों है, अरे जब जब महलों में आते थे तो आपका चेहरा फूल की भांति खिलता हुआ नजर आता था, लेकिन आज क्या बात है, किसी ने कुछ कह दिया है तो आप हमें बता सकते हैं। या तारा ने महाराज, ऐसा तो नहीं अगर हमारे दरवाजे से कोई संत महात्मा भूखे चले गए हो, आपको बुरा लगा हो? बोले नाना ये बात नहीं है, फिर क्या बात है महाराज, बोलते क्यों नहीं हो? Yeah.